टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं चटपटी आलू की रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई पे हमने ले लिया है तेल और इसमें हमने डाल दिया है हाफ चम्मच पाँच फोरन। और अब इसमें डाल देंगे थोड़े मीडियम छोटे टुकड़ों में कट करके रखा हुआ आलू। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनने वाली है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में देख सकते हैं, रोटी पराठे चावल के साथ भी अच्छा लगता है ये रेसिपी। तो आलू को चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे जब तक आलू हमारे लाल नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड, देखिए थोड़ी देर आलू को हमने फ्राई कर लिया है, कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा मोटा टुकड़ों में कट करके रखा हुआ प्याज। तो प्याज को भी हम आलू के साथ फ्राई करेंगे जब तक हमारे प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड, देखिए थोड़ी देर हमने चला लिया है, प्याज हमारे थोड़े ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़े पाउडर मसाला करेंगे, डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और इसमें डालेंगे जीरा का पाउडर और धनिया के पाउडर। सारे मसाले हमने जो है हाफ चम्मच से थोड़े कम कम ही डाले हैं और नमक स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, सारे मसाले हमने जो है हाफ चम्मच से कम ही यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा मसाले से हम नहीं बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं अच्छा लगता इस रेसिपी में। तो थोड़ी देर हमने और चला लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर। टमाटर का हमने कट करके रखा हुआ था, इसको भी हमने डाल दिया है। डाल करके थोड़ी देर और चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर हमने चला लिया है और हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गए थे, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे। आप इसको जब आलू और प्याज को फ्राई किए थे, अब उसी टाइम अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड कर दीजिएगा। तो थोड़ी देर हमने अदरक लहसुन को भी जो है भून लिया है आलू के साथ। तो सारी सब्जियाँ हमारा भून चुका है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ये सब्जी जो है हमारी बिल्कुल सूखी सूखी सी बनेगी। तो बहुत थोड़ा पानी डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा और ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे इस सब्जी को। तो फ्रेंड, देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, एक बार और चला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी आलू बिल्कुल गल चुका है, दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये आलू की सब्जी। अब एक बार बनाएंगे तो बच्चे रोज़ डिमांड करेंगे इस सब्जी को बनाने के लिए। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे ये है मैगी मसाला, बच्चों का फेवरेट मैगी मसाला। एक पैकेट हमने इसमें पूरा भर करके डाल दिया है और डाल देंगे इसमें केचप। ये 2-3 चम्मच हमने केचप डाल दिया है और डाल करके अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी हमारी रेसिपी को देख रहे हैं। और मेरा रेसिपी कैसा बना है ज़रूर कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।